बोले थे हम लोग कि आज स्कूल पे जाएंगे, स्कूल दिखाएंगे, तो हम लोग सच में आज स्कूल पे चल रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 10। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। संडे का दैनिक जागरण, साथ में झंकार आया है तो आज झंकार झंकार कर देंगे। तो गाइस आप लोग अच्छे हैं कि नहीं? ठंडा उंडा नहीं लगता है? ठंडा उंडा लगता है तो कम्बल उम्बल में रहिएगा, ज़्यादा बाहर नहीं निकलिएगा बिना काम का ठंडा में। आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट में, ठीक है ना सब? हम तो मस्त धूप में बैठे हैं और पेपर भी आ चुका है तो पेपर पढ़ते हैं। मिलते हैं आप लोगों से पेपर पढ़ने के बाद, तब तक में बाय। हम चलने वाले हैं पटना, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखने को मिलेगा। अभी गाँव में हम हैं इसलिए फैमिली ब्लॉग दिख रहा है आप लोगों को, पर जब पटना चलेंगे तब दिखेगा अच्छा अच्छा नज़ारा, आप लोग को दिखाएंगे। ओह माय गॉड, तो टेंशन मत लीजिएगा कि अच्छा ब्लॉग नहीं आ रहा है, इस पे आएगा आएगा, बस आप लोग बने रहिए। वेट एंड वॉच, पढ़े पेपर क्या आप लोग? कहिएगा तो पढ़ लेते, बोल दिए ना ठीक है पढ़ते हैं पेपर, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुप्रिया जी। कुछ कहा नहीं दादाजी का आज तबियत थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कमर में दर्द है, देखते हैं क्या हुआ है, थोड़ा सा मालिश कर देते हैं ठीक हो जाएगा। हाँ पेपर आ गया, खेल लेते कसो खेत पर। दादी को मालिश कर रहे हैं, थोड़ा सा भी हड्डी दर्द कर रहा था बहुत दिनों के बाद। आप लोग भी अपने दादाजी का ख्याल रखिएगा जरूर। अब आराम लागे छ ना, पूरा क्लियर भाग ले ना। हाँ फोटो बढ़िया आवे छे, मोबाइल नया छे। अब फिर घरे पे लेलिए, एक बेर पटना में लेलिए तो चोरी भाग गए रहे फोन, तो फिर खरीद लिए। ऑनलाइन कर लिए तो ला के ले रहे घरे पर। बोलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? बेटा जी क्या कर रहे हैं? अब तुम्हारा उम्र है मट्टी से खेलने का, अब तुम काहे मट्टी से खेल रहे हो? देखिए इसको, इसको फिर आज गाछ पे चल रही है, फिर अमरूद के वृक्ष पे रहती है। गाइस आप लोग बताइए इसको कमेंट में, इसको मारे डंटा से हम छोड़ दे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ए उतरो, तुमको डर नहीं होता है? इधर घुरो, इधर घुरो, एक बार मुंह दिखाओ बंदर। दिमाग नहीं है तुमको, बच्चा को लेके तुम बालकोनी में घूम रही हो, उतरो। तो गाइस इधर चल रही है खाद की नपाई खेत के लिए। चाचा जी कौन सा खेत का है, गेहूं वाला का है कि मक्का वाला का? गेहूं वाला है। चाचा जी लाए हैं अभी अभी, खाद तो मिलता नहीं है वैसे, चाचा जी का आज भाग ठीक था तो मिल गया। ये डीएपी कहते हैं इसको, ये डीएपी हो, ये पोटास हो गया। गाइस ये यूरिया है, यूरिया चीनी के जैसा दिखता है, तो आप लोग खा नहीं लीजिएगा कहीं देखिएगा तो। ये चीनी नहीं, ये यूरिया है, ये गेहूं का बीज है, श्रीराम सुपर 303, ये श्रीराम जिंक है। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं अपना प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, प्राइमरी और मिडिल दोनों स्कूल पर जाने वाले हैं। आप लोग को दिखाने वाले हैं मेरा अपना स्कूल जिससे हम 8 तक, 8 के बाद पास आउट हुए थे। देखिए अगर जा पाएंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे, कोशिश तो रहेगा मेरा कि आज स्कूल का ब्लॉग बनाए, तो देखते हैं अगर चल पाते हैं तो बनाएंगे जरूर। तब अगर जाएंगे तो आप लोग ब्लॉग में जरूर बने रहिएगा, फिर दिखाएंगे आप लोग को अपना स्कूल। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा तो चलेंगे, कोई बात नहीं, बाइक से चलेंगे और वहाँ जाके ब्लॉग बनाएंगे ठीक। तो देखिए चल पाते हैं तो आप लोग को दिखाएंगे जरूर। तो गाइस बोले थे हम लोग कि आज स्कूल पे जाएंगे, स्कूल दिखाएंगे, तो हम लोग सच में आज स्कूल पे चल रहे हैं। मेरे साथ ये है अंशु कुमार और गोविंद कुमार, तो हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को स्कूल। मेरा प्राइमरी स्कूल था और मिडिल स्कूल दोनों साथ में ही है, तो चलते हैं। हम भी बैठते हैं अपना सुपर हीरो होंडा बाइक पर, हम लोग बैठ गए हैं, बढ़ाओ धीरे धीरे।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And गाइस हम लोग फाइनली अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। अरे स्कूल के बीच में यहाँ पेड़ है, यही है पीपल के पेड़, जिसके जिसके नीचे में बैठ के हम लोग दाल मुढ़ी खाया करते थे और बातें करते थे सब दोस्त मिलकर। चलिए दिखाते हैं अब स्कूल इधर। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं संडास के पास। ये देखिए संडास ठीक है कि नहीं है, इसका दरवाजा ही खराब है गाइस। जब से हम स्कूल छोड़ के गए हैं का सारा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो चुका है। चलते हैं अब इधर देखते हैं। यही है सेवन की पढ़ाई होती थी। सेवन में जब हम इसी क्लास में बैठ के पढ़ते थे, वर्ग स्तंभ लिखा हुआ है, ये एट का था, इसमें एट का क्लास हम किए हैं। और ये हमारा कार्यालय क्या लिखा हुआ है, हेलो हाय करते जाए और याद रखे हाथ न मिलाए दोस्तों। ध्यान क्या मस्त नजारा है। मस्त लिखा और मेरा फेवरेट लाइन है, पानी बचाए और जिंदगी बचाए। तो देख करके हमको वो पुराने दिन याद आते हैं। हम रोज मेन्यू देखा करते हैं आज खाने में क्या है और खा के भागूंगा घर। कभी टिफिन से ज्यादा रहे नहीं है, खाना खा के भाग ही जाते थे खिड़की। यह है मेनू, मध्याह्न भोजन तालिका मेनू। देखिए ये संडास को देखिए, ये संडास देवी प्रसाद छोड़ के गए। अरे देवी प्रसाद का है ये संडास, यही संडास है जिसमें हम लोग छुप छुप के सुसु किया करते थे। यही से हमारी पढ़ाई की स्टार्ट होना, दिस इज अल्मा मेटर, यानी शिक्षा की पहली संस्थान यही है। जब हम पहला में थे, पहला में गाई भागता था, तो इसी में हम आकर के अपना क्लास करते थे। कैसे क्लास करते थे, पहले क्या सिस्टम था, बोरा लेके आना था और बोरा बिछा के यहाँ। गाइस इस खिड़की को देख रहे हैं, ये खिड़की को देख रहे हैं, इस खिड़की से मेरा पुराना नाता है। जब हमको खाना खा के भागना होता था तो इसी खिड़की से हम लोग भागते थे। यहाँ आते थे, अपना बोरा बस के नीचे गिराते थे और ऐसे फिर कूद जाते थे। यार स्कूल आजकल बंद है क्या, सब कुछ लग रहा है कि तो बहुत दिन से चालू ही नहीं हुआ है। क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, रनिंग करते थे, मेला देखने आते थे, पता नहीं क्या क्या किए हैं इसी फील्ड पे। नहीं अब मेरा स्कूल कॉलेज हो चुका है गाइस, मेरे स्कूल का प्रमोशन हो चुका है, ये स्कूल नहीं अब कॉलेज घोषित हो गया है। हम लोग रोड से नहीं आते थे, रोड से कभी कभी आते थे साइकिल से, साइकिल भी उस टाइम उतना फ्री नहीं था। हम लोग इधर इधर देख रहे हैं गाइस, अपना जो घर है इसके जस्ट सामने ठीक है, 2 किलोमीटर लगभग होगा। इसी रास्ते से हम लोग आते थे पैदल पैदल, घूमते फिरते खाते पीते आ जाते थे, आप लोग फिर भाग भी जाते थे। के दिन आए मास्टर लतियाया, हम भाग गए। तुम पढ़ने वाला लड़का था, तुम था ही लतखोर कॉलेज। अरे बढ़िया एंगल नहीं बन रहा यार, तुम्हें दिखता है बीआरसी में होता क्या, खाली किताबें ढूंढा था। ये बिल्डिंग
ये बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग मिला के हो गया प्राइमरी स्कूल। ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग मिला के हो गया मिडिल स्कूल हम लोग का। किचन, इसी में हम लोग का खाना बनता था। यहाँ मस्त बनता था, चावल कढ़ी कुछ दिखता नहीं है, लिखा हुआ भी है वो भी मिट चुका है गाइस। किचन सेट लिखा हुआ, देखो ना सारा मिट गया है। बताओ गाइस, यहीं बनता था हम लोग का चावल दाल भुजिया पापड़, हम लोग खाते थे यहाँ नीचे बैठ के गाइस। इसी कैंपस में हम लोग खाते थे। ये पीपल का वृक्ष, इसको देख के तो हमको बहुत चीज याद आ रहा है, बहुत कुछ किए थे, एक बार जान भी दे रहे थे किसी और के लिए। आप लोगों को हमने अपना स्कूल दिखा दिया, गोविंद और अंशु बताए हुए किए थे आप लोग को। तो प्रतीक नाम है हमारा, प्रतीक नाम है, कोई बात नहीं, नाम रीड कर देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो बे। ये प्रतीक मेरा बेटा और मेरे भाई गोविंद कुमार, हम तीनों मिल के आए थे, सोचे थे जाके स्कूल को देखेंगे, बहुत दिन से स्कूल भी नहीं आए थे गाइस, लगभग 6-8-10 साल तो हो गया होगा। हम 2014 में 10th पास किए समझ रहे हैं, तो यहाँ सभी 8 तक ही था, तो 10-11 साल 12 में ही आए, 12 में ही हम स्कूल को छोड़े गाइस, लगभग 2012 में ही इस स्कूल को छोड़े थे। तो हम लोग वो 9th-10th लालपुर स्कूल से किए, हाई स्कूल से, यहाँ तब तक नहीं ये हाई स्कूल बना हुआ था, तो वो भी हाई स्कूल भी दिखाएंगे किसी दिन। तो आज अभी टाइम हो गया है, 5 बज गया गाइस, शाम भी हो गया है, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, दंदनाते रहिए, और आसपास सफाई बना रखिए, और इसी के साथ एंड होता है, बाय बाय। तो गाइस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी मेहनत करते हैं, और 1000 पुरा दीजिए सब्सक्राइबर, फिर देखेंगे, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस रास्ते में हटिया भी लगा हुआ है, इसको हम लोग गांव में हटिया कहते हैं, क्या दिखाओ ना, लोग स्कूल देखने आए थे और गांव का हटिया भी मिल गया। हटिया आपको बता दें कि सप्ताह में कुछ ही दिन मार्केट लगता है हमारे गांव में। हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, तो अभी लेते हैं तेल, अपना ही घर का पेट्रोल पंप है।